कल अपन क्लास रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी स्टार्ट की सी बेटे। जीवनी च अपा पढ़िया सी के रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान दे लेखक हुए ने, एक चित्रकार, नावलकार, कहानीकार, कवि, बहुत सारे खेत्र ने जिन्हां विच रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कलम अजमाई है, जिन्हां नूं गुरुदेव कह के भी सतिकारिया जांदा है, गुरुदेव कह के सत्कारिया जाता है। सेकंड पैरेज, जन्म ते मुढ़ला जीवन। जन्म होया 7 मई 1861 ईस्वी नूं कलकत्ता विखे। माता पिता उच्च घराने दे, अमीर घराने दे, यह सारे बेटे वन मार्क क्वेश्चंस ने, ठीक है। टैगोर दे पिता दविंदर नाथ एक व्यापारी, एक व्यापारी सन। टैगोर का पालन पोषण राजकुमार वांग हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे पहला चैप्टर ध्यान नाल समझ लो, उस तो बाद टेस्ट होएगा तुहाडा। बेटे पर्ल है, वनिका, सिमरप्रीत, प्रबलीन, यस बेटे। रविंद्रनाथ टैगोर का पालन पोषण राजकुमार वाला होया। 13 भैन भरा जिथे के सारे रल मिलके खेडते सन। टैगोर नूं स्कूल जाना पसंद नहीं सी। उसने स्कूल ना जान लई की बहाना बनाया कि जुत्ती विच पानी भर लिया ते पैरां विच जुत्ती पा ली, जिस कारण उन्हूं बुखार चढ़ गया। उसकी पढ़ाई का प्रबंध घर विच ही कर दिता गया। इसे दौरान उसनूं अपने पिता नाल एक लंबे सैर सपाटे ते जान दा मौका मिलिया। उस समय उसकी उम्र कितनी साल सी बेटे? 11 साल। इस सैर दे दौरान उसने पंजाब विच केड़ी जगह दे दर्शन किते? श्री अमृतसर साहिब ते हरिमंदर साहिब, जिथे के वो हरिमंदर साहिब विच परमात्मा दी सिफता कीर्तन सुनदे सुनदे मंत्र मुग्ध हो जांदा। इस तरह टैगोर ने अपनी स्कूली विद्या इसे अंग संग रह के पूरी की थी बेटे, कुदरत दे अंग संग, ठीक है। नेक्स्ट, टैगोर का विआह 1883 ईस्वी 1883 कितने होया बेटे? किदे नाल होया? मृणालिनी देवी नाल। उस समय कितनी उम्र सी बच्चे? 22 साल की उम्र सी। विआह तो बाद उसने बोलपुर स्थान ते रहन लगे। खुले डुले वातावरण विच अनेक रचनावां रचियां। मात भाषा उसकी बंगला सी। उस दीआं प्रसिद्ध रचनावां तुसीं ऑलरेडी कल दी क्लास पढ़ियां, गोरा, नुक्कड़ डुब्बी, नाटक चंद्रांग दा, कहानी अकाबली वाला, पोस्टमास्टर हार चित। 1913 दे विच उसकी पुस्तक गीतांजलि ते उसनूं गीतांजलि पुस्तक लिखी, जिसके अनुवाद उसने होर भाषावां विच वी कीते। रविंद्रनाथ टैगोर एक वधिया अध्यापक सन, अंडरलाइन करो, एक वधिया अध्यापक सन। वह चाहते सन कि उन्होंने विद्यार्थी खुले डुले माहौल विच पढ़ाई करने। इतों रीडिंग करनी आपां, ध्यान नाल सुनियो। इस मंतव की पूर्ति लई गुरदेव टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की। शांति निकेतन पाठशाला, शांति निकेतन बोलपुर की धरती ते, जिथे वह बोलपुर रहन लगे, उथे शांति निकेतन पाठशाला की उसने स्थापना कीती। नेक्स्ट बेटे, इस पाठशाला विच कमरे नहीं सन। इस पाठशाला विच क्लासां रुखां दे हेठ लगदियां सन। इत्थे साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, भारतीय सभ्याचार की सिक्ख्या दित्ती जांदी। सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं सी दित्ती जांदी, ते आपां कल दी क्लास भी ऑलरेडी डिस्कस कीता। नाल नाल होर खेत्रां दे विच, होर गतिविधियां विच भी बच्चियां नूं, विद्यार्थियों नूं प्रेरित किया जाता सी भाग लैण लई। शांति निकेतन विच विद्यार्थियों नूं जीवन जाच दे गुर समझाए जांदे सन। गुर समझदे हो? नुक्ते कि जिंदगी विच अपनी जीवन जाच किवें सोहनी बनानी है। पढ़ लिख तां हर कोई जांदा, पर बोल पाणी, सोसाइटी च विचरना किवें है? तुसीं हुण पढ़दे पढ़दे आ लैंग्वेजेस तों इह वी तां सिखदे हो, जिवें जीवनियां पढ़दे हो कि आपां जिंदगी च किद्दां विचरना, गलत ट्रैक ते नहीं जाणा, हर एक नाल मिठा बोलना, फिक्का नहीं बोलना, किसी नूं टीज नहीं करना, अननेसेसरी नहीं बोलना,
किसी नु भी तंग नहीं करना, किसी की मजबूरी का नजायज फायदा नहीं उठाना, यह जिहियां गल्लां जिंदगी विच विचरण लई जरूरी हैं। मीनस किहड़े गुण धारण करने, सदाचार। सदाचार की हुंदे ने, मोरल वैल्यूज। यह संस्था विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई। यह संस्था की बन गई विश्व भारती। वन मोर क्वेश्चन, विश्व भारती संस्था केड़ी बनी टैगोर दी शांति निकेतन। लास्ट पैरा, गुरुदेव टैगोर होर की सन, कला प्रेमी, कला नाल प्यार करने वाले। कला कोई भी हो सकती है, किसी भी खेत्र विच तुसी चित्र कला, मूर्ति कला, कला विच ठीक है, तुसी गायक भी बन सकते हो। कला प्रेमी सन, उन्होंने कुदरत नूं अपना संगी बनाया। पर इत्थे कला दा भाव है कुदरती नजारियां नूं निहारदे सी, फिर उन्होंने तस्वीरां राहीं डिपिक्ट करदे सन। कुदरती नजारियां नूं ओह बड़े आकर्षित हुंदे कुदरती नजारियां प्रति, इसलिए उन्होंने कोमल दिलां वाले बालां नूं कुदरत नाल जोड़े। ए जिहड़े कोमल दिल वाले बच्चे हुंदे ना छोटी उमर च, बचपन च, उन्होंने कुदरत नाल जोड़िया कि इह तां कुदरत दी देन है। भावें उन्होंने सीधे रूप च आजादी की लड़ाई विच हिस्सा नहीं लिया, सीधे रूप च आजादी की लड़ाई च नहीं हिस्सा लिया, पर उन्होंने जो समा चल रहा है वह आजादी दी लहर चल रही सन। 1913 विच उन्होंने पुस्तक लिखी गीतांजलि, पर एक समा आया जदों जलियांवाले बाग का साका होया 1919 विच, वह आपां हुण पढ़न लगे हां। फिर भी वह देश आजाद कराने के प्रति सोचते रहते। अंग्रेजों के जुल्म की कहानी ने उन्होंने मन उत्ते गहरा असर पाया। आजादी की लड़ाई लड़द्या जब जलियांवाले बाग का साका होया अमृतसर विच, तो सबनों पता है तुसी विसाखी का दिहाड़ा मनाते, इस करके आगे कि जलियांवाले बाग का साका होया, एक खालसा पंथ की साजना हुई है, एक कनका की वाढ़ी होंगी, किसान खुश होंगे। जलियांवाले बाग का साका की होंगे, साका शब्द का कहता है खूनी घटना, जिस विच निर्दोष निहत्थे लोग मारे जाते उन्हें साका कहते, जिवें पंजा साहिब का साका, ननकाणा साहिब का साका। साका मीनस अजिही खूनी घटना, खूनी मीनस जिते निर्दोष लोग मारे जाते। अजिही साका कित्थे होया, जलियांवाले बाग, ये सब नूं पता है। उस साके का टैगोर के मन से गहरा असर पिया जो सुनिया कि गोलियां नाल शहीद कर दिते गए निहत्थे लोग। उसनों जड़ा अंग्रेज सरकार ने किताब दिता सी ना, सर दा किताब दिता सी, केड़ी पुस्तक ने, गीतांजलि, उन्हें रोस वजो ना वापस कर दिता। कहिंदा मैनूं इहदा किताब नहीं चाहिए, जब तक अंग्रेजा दीआं हरकतां नहीं ना सुधर दीआं मैनूं इह किताब चाहिदा ही। रोस किहड़े रोस वजो, जलियांवाले बाग दे रोस वजो, उहदा दुख होया, दुख वजो कहिंदा मैनूं किताब वापस लै लो अपनी। लास्ट, इस महान साहित्यकार दा 80 साल की उम्र भोग के 1947 विच देहांत हो गया। समाज नूं सेध देण वालियां, सेध मीनस डायरेक्शंस, समाज नूं सही रस्ते ते ले जाण वालियां उन्हां दीआं लिखतां करके टैगोर नूं हमेशा सारे याद करदे रहिंदे। ठीक है, देश प्रेमी दा कदों पता चलदा है, जदों जलियांवाले बाग दा साका होया ते उन्होंने सर दा किताब वापस कर दिता, इत्थों पता चलदा उन्हां दे अंदर देश प्रेम की भी भावना सी। हुण क्वेश्चन आंसर फटाफट डिस्कस करो, ध्यान नाल, साडा राष्ट्र गीत केड़ा है, इसका लेखक कौन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जन्म कदों किथे होया, सेकंड पैरा, पूरा सेकंड पैरा, बचपन भी, जन्म 7 मई 1860 होया, माता पिता कहो जे सन, पीतराने, पिता देवेंद्र नाथ, वड्डे व्यापारी, पालन पोषण किवें होया बचपन में, ठीक है, घर की सी किदे वर्गा, सारे वन मार्क क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है, 13 भैन भरा सन ते सारे रल मिल के रहिंदे सन। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, वड्डा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किवें ते कित्थों तक विद्या प्राप्त की। रविंद्रनाथ टैगोर नूं स्कूल जाना पसंद नहीं सी, उन्हां दा स्कूल विच जाके मन नहीं सी लगदा, वह कई बहाने बनाउंदे सन के स्कूल ना ही जाना पवे, इस करके उन्होंने उन्हां दी विद्या दे लई घर विच ही प्रबंध कर दिता गया, ते उन्होंने अपनी विद्या प्राप्ति बहुता करके कुदरत दे संग प्राप्त कीती, ते कुछ समय लई ओह चेरी विद्या लई इंग्लैंड विच, ठीक है, क्लियर है। नैक्सट क्वेश्चन, टैगोर अपने पिता नाल पंजाब कदों आए, कदों आए बेटे, 11 साल की उम्र विच। उन्हां नूं तीर्थ स्थाना देखण दा ते होर वेखण योग थावां देखण दा मौका मिलिया, जिस विच उन्हां ने हरिमंदर साहिब दे दर्शन कीते। अजिहे वातावरण दे विच ओह, अजिहा वातावरण, पवित्र वातावरण।
वातावरण मिलिया कि उन्हां दे मन ते डूंघा असर होया। ओह किन्ना किन्ना चेर मंत्र मुक्त होके कीर्तन सुनदे हन। क्लियर है बेटे, समझ आ गई? इसके नाल ही जदों डलहौजी गए तां डलहौजी दे पहाड़ी दृश्य दे झरनियां ने भी उन्हां दा मन मोह लिया ते उन्हां ने कविता लिखनियां शुरू कर दित्तियां। इत्थों तक दे ना सर कवितावां लिखनियां शुरू कर दित्ती। नैक्सट क्वेश्चन, टैगोर ने अपनी रचनावां केड़ी भाषा विच लिखियां ते उन्हां दी प्रसिद्ध रचनावां दे नाम अगले पैरे च। एक गल होर समझो, जीवनी दे क्वेश्चन आंसर कदी भी अपने कोलो लाइन्स नहीं लिखी दी। जीवनी मीन्स एज इट इज, किसी ने जीवन दे जन्म तो लैके आखिरी समय तक दे वक्त पड़ा, उन्हां दा जन्म किवें होया, बचपन किवें होया, कॉन्ट्रीब्यूशन की रहे, ठीक है, ते लोग उन्हां नूं याद क्यों करदे। इहदे विच अपने वल्लों नहीं कहानी पढ़ांगे, अपने वल्लों लाइन्स लिख सकदे हां, पर जीवनी विच किसी ने जीवन दे वक्त एज इट इज लिखने होंदे। हुण जिवें उन्हां ने भाषा उन्हां दी केड़ी सी, मात भाषा बंगला, उन्होंने बहुत सारिया रचनावां अपनी मात भाषा च लिखिया, प्रसिद्ध रचनावां दे नाम लिखते ने, ठीक है, पता ना, क्लियर है, कल लिख लोगे। नैक्सट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की सब तो प्रसिद्ध रचना केड़ी है? गीतांजलि। इस रचना लिए उन्होंने केड़ा इनाम मिलिया? 1913 उन्होंने गीतांजलि रचना रची, ते अनुवाद होर भाषावां विच भी किते गए, और इस ते उन्होंने अंग्रेज सरकार वालों सर दा खिताब दे के निवाचिया गया, सतिकारिया गया। यह लिखा हुआ नीचे, सर दा खिताब दिता है, ठीक है, बड़ा वड्डा साहित्यिक इनाम मिलिया इन्हों इस नोबल पुरस्कार। वो केड़ा पुरस्कार सी? सर दा खिताब, जो कि अगे चल के उन्होंने वापस कर दिता। वो अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन बारे पैरा पूरा पैरा देना। बोलपुर के थां ते उन्होंने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में खुले कमरे नहीं सन, जमाता कितने लगदियां सन? रुखा है, जिथे के बच्चियां नू किताबी पढ़ाई दे नाल नाल जीवन जाति सिक्ख्या दित्ती जांदी सी, ठीक है, नृत्य कला दी अलग अलग दसी केड़ी केड़ी कला, संगीत, चित्रकारी, भारती सभ्याचार, संस्कृति दी सिक्ख्या दित्ती जांदी सी, तां जो बच्चे अगे चल के की बनन, जीवन जाच वाले बनन। लास्ट क्वेश्चन, जलियांवाले बाग दी घटना दा टैगोर दे मन ते डूंघा असर होया, जदों जलियांवाले बाग दा साका सुनिया कि उत्थे निर्दोष निहत्ते लोकां नूं अंग्रेजां ने गोलियां नाल भुन सुट्टिया, इस रोस वजों केड़ा किताब वापस कर दिता बेटे? सर दा किताब। केड़ी पुस्तक ते मिलिया सी? डन। सो बी रेडी फॉर टेस्ट। हो गया बच्चे क्लियर ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, योर वीडियो शुड बी ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टेस्ट, प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड तभी कितना दे रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू हैव टू डू सेट ए। सेकंड क्वेश्चन, तरती थी कितने गुना पानी, तरती ने आवाज तो
शब्द लिखो बी सेट किन किन अर्थ रख दे दो समासी शब्द टू मार्क्स क्वेश्चन सेवन वाक और समासी जी आप दिखती तो मासी दर शब्द समूह बनाओ शब्द समूह बनाओ प्लीज है बल ही शब्द समूह बनाओ बलहीन समासी का शब्द समूह बनाओ बी सेट रुगला रुफा क्वेश्चन फाइव मार्क ठीक है बच्चे लास्ट क्वेश्चन है पाक पटांदरा पाक पटांदरा थोड़ा चलना ठीक है ये तुसी प्रैक्टिस थोड़ी है कि तुसी कितना को उसने तरक्की हासिल करन लई मेहनत की संयुक्त वाक्य बी सेट मैं देश लई कुछ करके दिखाना चाहता हूं मिश्रत्वा मिश्रत्वा ए सेट च संयुक्त वाक बनाना है बी सेट विच मिश्रत्वा यस बेटे बी क्विक 10 मार्क्स का टेस्ट है बेटे ध्यान ना करो ओनली यू हैव टू राइट आंसर नो नीड टू राइट अ क्वेश्चंस For our online students, bade PDF with rename aur mere personal number se send karogi. Set A, 7th question, vaak vard samasi ki kism dasso.
वाक वंड समासी दी किस्म दसो। बी सेट सेवन क्वेश्चन, आप बीती समासी का शब्द समूह बनाओ। बी क्विक विच विच बच्चे, 5 मिनट्स आर लेफ्ट, सफिशिएंट टाइम विद यू। 6 क्वेश्चन 2, दो समासी शब्द, ए सेट समान अर्थों वाले, बी सेट भिन्न भिन्न अर्थों वाले समासी शब्द। धरती पहला किस तरह गर्म सी? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, यू हैव डन? यस बेटे, बी क्विक। वेरी गुड प्रबलीन, वेरी गुड। पीडीएफ बनाओ बेटे विद रीनेम। यस बेटे, डन। एंजल, गुड, वेरी गुड। इन सब बच्चों ने अपने क्वेश्चन आंसर जड़े ने कंप्लीट कर लेना बेटे, ते गोर दी चीज नहीं दे। वन मार क्वेश्चन दी मैं असाइनमेंट भेजांगी तुहानू, 15-20 क्वेश्चन दी। पहला वो करने हैं, औखे शब्द लिखने हैं, सेकंड चैप्टर, ठीक है? और ये तुसी इस वीक दे एंड तक कंप्लीट करना, क्योंकि फ्राइडे नो अपना पीरियड आना हूं इस तो बाद, ते मे बी फ्राइडे नो कुछ कहंदे होलीडे उस तक अपना लेसन कंप्लीट करना, ठीक है? गुड, बच्चे डन, टेस्ट हो गया बच्चे सबका, वेरी गुड। कलेक्ट करिए बच्चे, चलो बी क्विक बच्चे। सेट बी, मैं देश ले कुछ करके भी खाना चाहता हाँ, मिश्र पाक बनाओ। सब बच्चे ने अपना होमवर्क कहना जो रेगुलरली करना और इंडेक्स भी मेंटेन करना, ठीक है? और जे कोई क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, कोई समझ नहीं आया, फॉलो अप भी नाल ना, ता बच्चे तो फुल मार्क्स मिलने ने। नोटबुक दे 5 मार्क्स है, तोड़े इंटरनल असेसमेंट का एक पार्ट है, इस करके नोटबुक बहुत अच्छे तरीके ना मेंटेन करनी है, ठीक है बच्चे? चलो अपना चैप्टर आज कंप्लीट कर लेना अपना, रविंद्र नाथ टैगोर। सब बच्चों का बच्चे टेस्ट हो गया कंप्लीट, ओके okay।